In this episode, let's go to Siliguri. Arunachal travel series is on, and if you are not subscribed, please hit the subscribe button. तो जैसे कि आप सब लोगों को पता ही था, मैं जा रहा हूँ अरुणाचल। टाइटल और थंबनेल और ट्रेलर देख के तो आपको पता चल ही गया होगा। तो आज का हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन है सिलीगुड़ी। तो अभी है कृष्णनगर में, आगे जाके मीटअप करेंगे। मैं अभी घर से निकला हूँ, यहाँ पे दो भैया के लिए वेट कर रहा हूँ, वो लोग आ रहा है। अभी आगे जाके फिर आप लोगों के साथ मिला देता हूँ सबको साथ। हम टोटल जा रहे हैं 5 लोग, और राइट नाउ अभी का टाइम हो रहा है 5:37 AM इन द मॉर्निंग, और हम लोग निकलने वाले हैं अरुणाचल के लिए। तो अब इस सीरीज़ में बने रहना, हर एक वीडियो को देखना, अच्छे से एंजॉय करना। तो फाइनली भैया लोग आ चुका है। अभी आप देख सकते हो रोड पे कितना फॉग है। मतलब मेरा घर से हम लोग अभी जहाँ पे जा रहे हैं मीटअप करने, वो है 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, और यहाँ पे आगे एक ग्राउंड है। तो इसी वजह से इतना फॉग है यहाँ पे, एकदम विजिबिलिटी नहीं है। अगर आपने हमारा सिक्किम वाला गुरुदुम्बर वाला सीरीज नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक आ रहा है, वो वाला इस वीडियो को देखने के बाद देख लेना ज़रूर। तो उसमें भी बहुत इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर किया है गुरुदुम्बर सिक्किम के बारे में, परमिट वगैरह सब कुछ है। तो वो वाला सीरीज आप देख सकते हो, आई बटन पर लिंक आ रहा होगा। आज का पहला डिस्टेंस है, मतलब इस राइड का पहला जो डिस्टेंस है वो है सिलीगुड़ी। तो आज हम जाएंगे सिलीगुड़ी, ऑलमोस्ट 480 किलोमीटर के आसपास है। देखते हैं कितने बजे तक पहुंचते हैं। अभी का तो टाइम ऑलमोस्ट 6 बज चुका है, मतलब 6 बज गया है ऑलरेडी। राइट नाउ अभी का टाइम हो रहा है 7:30 AM इन द मॉर्निंग, और हम लोग अभी है हमारा कृष्णनगर सिटी में। तो यहाँ पे रुके हुए थे मीटअप के लिए, और अभी यहाँ से निकल रहे, बस 10 मिनट में निकल जाएंगे। और यहाँ पे है हमारा बाइक का लाइनअप, जो जो बाइक है हमारे साथ, ये 220 डोमिनर, KTM 390 एडवेंचर, और ये मेरा हिमालयन। अभी का टाइम हो रहा है 7:30, और हम लोग अभी यहाँ से निकलेंगे सिलीगुड़ी के लिए। यहाँ से सिलीगुड़ी का जो डिस्टेंस है 480 किलोमीटर है, और आई होप हम लोग रात 9 बजे तक पहुँच जाएंगे सिलीगुड़ी। हमने अभी ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया है। राइट नाउ हम अभी है बहरमपुर में, जो कोलकाता टू सिलीगुड़ी हाईवे है NS34, और गूगल मैप दिखाता है NS12, उसी के ऊपर ये पड़ता है, और आगे यही ब्रिज है, और इसका नीचे से जा रहा है गंगा। जय गंगा मैया की। तो अभी हम लोग किए ब्रेकफास्ट, लंच क्या बोलूँ, अभी का टाइम हो रहा है 11:05 AM, और हमने जस्ट लंच ही पकड़ लो। अभी तो लंच नहीं करना है, बहुत ठूस ठूस के खाया है। तो डायरेक्टली यहाँ से मालदा जाकर रुकेंगे। मालदा यहाँ से है 150 किलोमीटर, वहाँ पे थोड़ा देर रुकेंगे। कोई आ रहा है मिलने मुझसे, नहीं वो प्रीतम भैया से। आप लोगों तो किसी से अभी मिलाया नहीं है, मिला दूंगा, टेंशन मत लो, आज ही मिला दूंगा सबसे। ये रूट तो आपको जाना पहचाना ही है, क्योंकि मेरा पिछले वाला ब्लॉग में आपने ऑलरेडी देख ही लिया है। तो इसी रूट को बार बार क्या रिपीट करना। लगा तो नहीं भैया, लगा नहीं तो। तो अभी हमने डिस्टेंस कवर कर लिया है 192 किलोमीटर, और अभी का टाइम हो रहा है 12:40, और हम अभी है फाड़क का डैम क्रॉस कर रहे हैं। तो चलो, ये दिखाया हुआ रूट है पहले से, तो इस रूट को ज़्यादा दिखाऊंगा नहीं।
हमने ऑलमोस्ट डिस्टेंस कवर कर लिया 250 किलोमीटर और हम लोग अभी रुके हुए थे लंच के लिए। अभी का टाइम हो रहा है, 2:30 PM, मतलब अभी दोपहर हो चुका है ऑलमोस्ट। तो अभी यहाँ से निकलेंगे, बाइक इस साइड में पार्क है, ये देख सकते हो आप, ये बाइक इस साइड में पार्क है हमारा। अभी यहाँ से बस हो गया लंच वगैरह परदेसी, तो अभी जस्ट हम लोग लंच करके निकले हैं, आगे रिफ्यूलिंग करेंगे और आपको माइलेज भी बता देंगे। चलो इस वीडियो में डेली का जब मैं फ्यूल सुबह फुल टैंक कराऊंगा, फिर दूसरे नेक्स्ट टाइम जब दूसरी बार फुल टैंक कराऊंगा, हर वक्त मैं आपको बता दूंगा कि फ्यूल कितना है या मतलब कितना जा रहा है। और टोटल इस ट्रिप ख़त्म होने के बाद इस ट्रिप का टोटल एस्टिमेट कॉस्ट कितना आया मुझे, कितना खर्चा पड़ा, ये ग्रुप राइडिंग है ऑब्वियसली थोड़ा कम ही होगा खर्चा, तो मैं आपको पूरा डिटेल इस वीडियो के मतलब जैसे ही ये सीरीज़ ख़त्म होगा तभी आपको बता दूंगा। अभी का टाइम हो रहा है 4:24 PM, ऑलमोस्ट शाम होने वाला है। हम लोग पहुंच चुके हैं रायगंज और अभी थोड़ा देर पहले आपने जो देखा हुआ क्या था, हमने थोड़ा ब्रेक लिए थे, तो अभी रायगंज क्रॉस कर रहे हैं, थोड़ा देर के बाद पकड़ लेंगे एक बाईपास, आपने पिछले वाला ब्लॉग में देखा होगा वो वाला बाईपास भी। अभी जस्ट हम लोगों ने कुछ ड्रोन फुटेज वगैरह लिया और यहाँ पे बहुत लोग आ गया था, तो वही थोड़ा ब्रेक लिए यहाँ पे, रिफ्रेशमेंट ब्रेक, फिर अभी जा रहे हैं सिलीगुड़ी के लिए। यहाँ से सिलीगुड़ी का डिस्टेंस है 145 किलोमीटर। साइड करो, साइड करो, यहाँ पे हुआ था, इतना बुढ़ा इंसान दारू पी के रोड के ऊपर साइकिल चला रहा है, गिर गया, साइकिल का आगे का पहिया मुड़ गया, वो भैया पकड़ रहा था, बोले तुम मुझे पकड़ो मत, मदद मतलब इंसान को मदद करने के लिए भी क्या बोले, ऐसा ही होता है। राइट नाउ हम अभी क्रॉस कर रहे हैं इस्लामपुर, जो सिलीगुड़ी से पहले है। हाईवे देखो एकदम मस्त है, अभी तक तो एकदम घटिया सा रोड मिल रहा था, लेकिन अभी का ये जो 76 किलोमीटर बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो डायरेक्टली आप लोगों के साथ मिलता हूँ होटल के पास जाके। तो फाइनली अभी 9 बज रहे हैं और हम लोग अभी पहुँच चुके हैं सिलीगुड़ी, और होटल में यहाँ पे सारे बाइक पार्क हो चुका है, लाइट नहीं है तो दिखाई नहीं दे रहे उतने अच्छे से, तो चलो मैं आपको होटल का एक छोटा सा झलक दिखा देता हूँ। अभी हम लोग रूम पे आ चुके हैं होटल पे, और ये जो हमारा रूम है इसका 204, इसका नाम है अरुणाचल प्रदेश, जो हमारा राइड है उसी के हिसाब से रूम का नाम है, तो आपको एक छोटा सा रूम टूर दे देता हूँ। तो दिस इज़ आवर रूम, यहाँ पे डबल बेड है, काफ़ी अच्छा रूम है, यहाँ पे एक टीवी लगा हुआ है, यहाँ पे अलमारी है और इसमें हम लोग जैकेट रखा है अपना, और यहाँ पे कॉफ़ी मग, वाटर बॉटल, यहाँ पे हॉट वाटर का है, और हमने यहाँ पे हेलमेट वगैरह रख दिया, एसी वगैरह सब कुछ है। और यहाँ से शायद बाहर का व्यू, नहीं बाहर का व्यू तो कुछ है नहीं, तो ये देखो,
काफ़ी अच्छा रूम है, डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगा। तो फटाफट अगर आपने अभी तक यहाँ तक देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो